बिहार के विद्यालयों के निरीक्षण के नाम पर लगातार शोषण जारी था और वह शोषण जारी है नहीं बल्कि और शोषण बढ़ता ही जा रहा है। किंतु अब आए दिनों में शिक्षकों और विशेषकर महिला शिक्षिकाओं के साथ बदसलूकी की भी खबर आने लगी है। जो निरीक्षण करता है स्पष्ट उनको आदेश है कि वो विद्यालय में जाएंगे, विद्यालय में शिक्षण कार्य का निरीक्षण करेंगे, साफ सफाई का निरीक्षण करेंगे, पेयजल का निरीक्षण करेंगे और उसका फोटो खींचेंगे और वो स्वयं विद्यालय में जांच के लिए गए हैं कि नहीं वो विद्यालय के जहां बोर्ड लगा हो उसके सामने अपना फोटो खींच कर लोड करेंगे। लेकिन कहा गया है ना कि सिपाही को जब पावर दे दीजिए तो एसपी जैसे रुतबा दिखाने लगता है, वही हाल है। इसके पूर्व में जब जीविका दीदी को जांच का आदेश दिया गया था जिसके विरोध में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जीविका दीदी विद्यालय का निरीक्षण नहीं करेगी, उस पर रोक लगाया गया, किंतु आज की सरकार और सरकारी आला अधिकारियों द्वारा जो टोला सेवक है, जो तालमी मरकज है, जो रिटायर्ड बीआरपी है जिनका कोई पावर नहीं है, जो आउटसोर्सिंग से कंपनी द्वारा बहाल किए गए कर्मी है, बीपीएम सीपीएम, उन लोगों को जांच में लगा दिया गया है। पदाधिकारी का कहना है कि हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि बच्चे हैं कि नहीं, साफ सफाई है कि नहीं, इसको देखना। लेकिन वो लोग अपना पावर न सिर्फ डीओ बल्कि एसीएस सर से थोड़ा भी कम नहीं समझ रहे हैं और व्यवहार तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मोगैम्बो से भी बड़ा पदाधिकारियों का है। विद्यालय में जाकर वो मजबूर कर रहे हैं कि तमाम शिक्षक शिक्षिका का ग्रुप फोटो हम लेंगे। इतना ही नहीं, वो सेल्फी भी लेने के लिए बेचैन है। एक विद्यालय में अगर 20-25 शिक्षक शिक्षिका है, 5-10 शिक्षक मिशन दक्ष में पढ़ा रहे हैं, बाकी बैठे हुए हैं स्टाफ रूम में, तो वहां जाके दबाव बना रहे हैं कि हम सेल्फी लेंगे। यदि किसी महिला शिक्षिका द्वारा विरोध किया जा रहा है कि हम सेल्फी नहीं लेंगे, हम सामूहिक फोटो नहीं खिंचवाएंगे, तो उन पर धौंस जमाया जा रहा है कि हमारा अधिकार है, हम कहीं भी आपका फोटो ले सकते हैं, हम कहीं का भी फोटो कर सकते हैं। मैं चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि आप अपना अधिकार और अपने कर्तव्य को समझे, आप अधिकार को उल्लंघन नहीं करें। शिक्षकों और शिक्षिकाओं के रग में खून ही है, पानी नहीं हुआ है, हम इज्जत से चुप है, इसे आप हमें हमारा हिजरापन मत समझे और समाज जो सीमा है उसको लांघने की कोशिश नहीं करे, वरना शिक्षक शिक्षिका जब रोड पर उतरेगा, जब विद्रोह पर उतरेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि दिशा निर्देश जारी हो कि किसी भी सूरत में किसी महिला शिक्षिका का फोटो निरीक्षण करता नहीं ले। अगर किसी महिला शिक्षक शिक्षिका का फोटो लेते हैं वो वायरल होता है, वो डाउनलोड होता है और उस पर उसको टॉर्चर किया जाता है, तो उसकी सारी जवाबदेही उस निरीक्षणकर्ता की होगी, वहां के पदाधिकारी की होगी और सरकार की होगी। और इसके लिए हम जो महिला आयोग है उनसे भी आग्रह करते हैं, उनका भी आह्वान करते हैं कि आप आगे आइए और महिलाओं के फोटो खींचने पर रोक लगाइए। यह बहुत बड़ा महिलाओं का अपमान है, यह महिलाओं को फोटो करके उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। इसलिए आगे आइए और महिला शिक्षिकाओं के फोटो पर रोक लगाइए, क्योंकि महिला शिक्षिका का फोटो खींच करके उनको वायरल करने की धमकी दे करके और उसको टॉर्चर किया जा रहा है और इसका गलत मैसेज समाज में जा रहा है। इसलिए हम सरकार से, महिला आयोग से, तमाम शिक्षक शिक्षिका बंधुओं भाइयों बहनों से आग्रह करते हैं और आपको आपका अधिकार का याद दिलाते हैं कि किसी भी सूरत में आप सामूहिक फोटो मत खिंचाइए। जो भी निरीक्षण करता है उनको जो करना है वो कर ले। आप हमसे संपर्क कीजिए, भाई केशव कुमार से, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई निरीक्षण करता कहता है कि हम सेल्फी लेंगे या कहता है कि हम आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, तो आप उसका विरोध कीजिए और आप हमको खबर कीजिए, आ करके नो FIR नो रिपोर्ट और फैसला ऑन द स्पॉट कर देंगे, उन्हीं का सारा फोटो खिंचाने का शौक छोड़वा देंगे, या कहीं का नियम नहीं है। अंत में मैं तमाम भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि पैसा और नौकरी आती जाती रहेगी, प्रतिष्ठा के साथ अगर कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दीजिए बल्कि उसके मुंह को तोड़ दीजिए। और कुछ भी हो तो आप हमारे मोबाइल पर संपर्क कीजिए, हम वहां आएंगे और आपकी लड़ाई को लड़ेंगे और किसी भी सूरत में प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देंगे। हम सरकार को भी आह्वान करते हैं कि आप तुरंत लेटर निकालिए और ऐसे कुकर्मों पर रोक लगाइए, अन्यथा आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।